खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कारगिल शौर्य के 20 साल के मौके पर एबीपी न्यूज पर शिखर सम्मेलन जारी है और अब शिखर सम्मेलन के इस सत्र में हमारे साथ कुछ बेहद खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। ये उन जाबाजों के परिवार वाले हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, अपने प्राणों की आहुति दे दी। जोरदार तालियों के साथ इनका मंच पर स्वागत करेंगे। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी स्वप्ना राय जी को, शहीद कैप्टन सुमित रॉय की मां है, और मैं चाहूंगी कि तालियां आप लोग लगातार बजाते रहें, तालियों का सफर नहीं थमना चाहिए। हेमा अजीज जी, शहीद कैप्टन हनीफुद्दीन की मां, हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मैं मंच पर स्वागत करती हूं। कमलेश बालाजी, शहीद बच्चन सिंह जी की पत्नी को भी हम मंच पर बुलाएंगे। और देखिए, मैं ये भी बता दूं आपको कि कमलेश बालाजी का बेटा भी अब सेना में है। इसके अलावा रेखा भंडारी जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। शहीद मंगत सिंह भंडारी जी की ये पत्नी है और रेखा भंडारी जी अकेले नहीं आ रही हैं, उनके साथ उनकी बेटी नीलम भंडारी भी मौजूद है। नीलम भंडारी तैयारी कर रही हैं सेना में आने की। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और इसके साथ साथ कुछ और शहीदों के परिवार वालों के भी हम आभारी हैं जो आज हमारे शिखर सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। मीरा देवी जी, शहीद ताम बहादुर जी की पत्नी हैं, तालियां लगातार आप लोग बजाते रहिए उनका हौसला अफजाई करने के लिए। जानकी देवी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं शिखर सम्मेलन में, शहीद राम सिंह भोरा जी की पत्नी हैं। और देखिए, एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, करगिल के हीरो हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया, ब्रिगेडियर दिनेश कुमार बडोला जी का बहुत धन्यवाद शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर शिखर सम्मेलन में आने के लिए। शुरुआत करते हैं हम इस सत्र की, और मैं बहुत फख्र, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूं कि मैं इतनी बहादुर महिलाओं के साथ आज यहां पर बातचीत करने के लिए बैठी हूं। स्वप्ना जी, आपसे शुरुआत करूंगी। मैम, 20 साल करगिल शौर्य के, 20 साल, साल दर साल ये तारीख, आंखें आज भी नम होती हैं, मन में भी कुछ भाव आते होंगे? ये दिन बहुत वैसे मुश्किल का दिन है। साल तो यूं निकल जाता है क्योंकि हम बहुत बिजी रहते हैं, हम कामकाज में अपने मन को ढक लेते हैं जो भी हमारे दिल में है। पर जब सारे लोग एक दिन में आते हैं या फोन करते हैं कि हम आपके घर आएंगे, प्रेस वाले आ जाते हैं, फोटोज निकालते हैं पुराने, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। हमें लगता है पुरानी बातें सब कुछ याद आ जाती है और मन बहुत भारी होता है। पर यह है कि भाई चलो, हम भी सोचते हैं कि हमें ये जो जनता है उनको बताना बहुत ज़रूरी है, मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है कि जो शहीद हुए थे कारगिल लड़ाई पे, वो बहुत ही छोटे छोटे बच्चे थे, 20-21 साल के नौजवान थे, और कितनी चढ़ाई, स्टीप चढ़ाई, और इतनी ठंड में और नंगे पैर, कई बार उनके पास खाना नहीं था एंड उनके पास हथियार नहीं थी, तो ये सारी जितनी भी मुश्किल सिचुएशंस पे मुकाबला करके वो लोग आगे बढ़े और देश के लिए कुर्बान हुए, ये भी बताना बनता है। फर्ज समझ के कई बार दिल में पत्थर रख के भी हम उनको, जो हमारे घर में आते हैं, प्रेस वाले आते हैं, तो उनको हम स्वागत करते हैं और उनको हम बताते हैं, कहानी हम सुनाते हैं उनको भी। बिल्कुल, देखिए, जाबाज की, शहीद की माँ हैं ये, और किस तरीके से बेटे के जाने के बाद भी ड्यूटी निभा रही हैं, उसके जज्बे का सम्मान करते हुए देश के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। बात आखिरी बार कब हुई थी शहादत से पहले सुमित से आपकी, और क्या बताया था उसने वहाँ के बारे में? मेरे से तो बात 26 जून को हुई थी, 3 बजे फोन किया था उसने। उन दिनों में मोबाइल नहीं थे तो फोन ही चलता था हमारा, एसटीडी हम घुमाते थे, रात को बुकिंग करते थे, तो वो बात कर रहा था कि मैं तो द्रास में बैठा हूँ। एक्चुअली उसकी फर्स्ट पोस्टिंग जो थी वो कुपवाड़ा में थी, और वो 1998 में कमीशन हुआ था, 12 दिसंबर 1998 में, और एक बार घर आया था 10 दिन के लिए, और उसके बाद वो जब 9 मई को घर से वापस गया तो हमें तो यही थी कि भाई वो कुपवाड़े में है। बट 26 जून ही सेड कि मैं द्रास में हूँ,
तो मैंने कहा तुम द्रास में कैसे पहुंच गए, उसने घर में ये नहीं बताया है, वहां पे जो सिचुएशन थी वहां पे उसने कभी हमें घर में नहीं बताया, जबकि मेरा बड़ा बेटा वो भी फौज में था और मेरे घर के और भी मेंबर्स जैसे कि ब्रदर इन लॉज वगैरह वो भी वहीं पे पोस्टेड थे, कमांड कर रहे थे, सब वहीं पे थे, बट नोबडी टोल्ड अस कि भाई लड़ाई लगने वाली है या सिचुएशन क्या है, और सुमित भी द्रास पहुंच गया है। तो वो हंस के बोला मैं तो कब से यहाँ पे हूँ, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसने बोला कि जो हम तो आगे मतलब 4700 और 5140 का टास्क दिया गया है और हम उसके लिए जाएंगे, मतलब जो भी और घरेलू बातें की, दैट वाज द लास्ट। मैं 26 के बाद, जून के बाद मेरे साथ बात नहीं हुई, बट ही रैंग अप ऑन सेकेंड इवनिंग, जी सॉरी थर्ड इवनिंग ही रैंग 7 o'clock इन द इवनिंग। तो दैट टाइम आई वॉज ऑलरेडी इन माई स्कूल, आई वॉज टीचिंग ऑलरेडी, आई वॉज ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल इन नवोदया विद्यालय जाफरपुर कला, दैट इज इन दिल्ली। एंड जब तक मैं आई तो तब तक वो फोन रख चुका था, उसने अपने पापा से बात की थी एंड दैट वॉज द लास्ट यू नो, एंड ही सेड कि अगर टाइम मिलता है तो मैं फोन करूंगा दोबारा मम्मी से बात करने के लिए, पर कह रहे कि हम आगे बढ़ रहे हैं और अगर टाइम मिलता है मैं बात करूंगा। तो उनके इंतजार में मां रह गई। नहीं, फिर मैं जब तक मैं घर पहुंची तो फोन कट चुका था। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग दोबारा एडजुटेंट का फोन आता है कि सुमित इज नो मोर, क्योंकि 8:30 बजे रात को ही उसको शेलिंग में वो उसकी डेथ हो गई थी। सो दैट वॉज द लास्ट, शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। हेमा जी से बात करूंगी अब मैं। हेमा जी, हनीफुद्दीन, कैप्टन हनीफुद्दीन, क्या उम्र थी और आखिरी बार आपकी बात हो पाई थी? मैं उसको आखिरी तो नहीं कहूंगी, बात हुई थी एक बार, उसके बाद भाई से भी चिट्ठी पत्र होता रहा और मैं अवेलेबल हरदम घर पे नहीं हो सकती थी, तो जब मैं होती थी तो बात हो सकती थी। एक ही बार बात हुई थी जब सियाचिन से लौटना था, तो ये कहा था कि फोन लाइन फ्री रखना कि मुझे पता नहीं कब मौका मिलेगा कॉल करने का, मैं आऊंगा घर। तो 2 साल का मेरा अटैचमेंट का जो अब खत्म हो रहा है तो मैं घर आऊंगा, तो लाइन फ्री रखना। तो हमने कहा ये टाइम के ऊपर है कौन घर पे है कौन नहीं है, घर अपना है, जब फ्री हो तो आ जाना, फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ना कोई तो घर में होगा, मिल जाएगा। यही बात मेरी हुई थी उसे, और वापस आना था, वापस आना था, और उसी में सियाचिन से लौटते समय ही उसको मिशन दिया गया था कि जिसमें टास्क दिया था जो थंडरबोल्ट कहा जाता है, मुझे उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है जी, किताबों में पढ़ती हूँ उसके बारे में, लेकिन ये मैं समझती थी कि आर्मी में जो भी बात होती है, बच्चे जहाँ भी डिप्लॉयड है, इसके बारे में न परिवार को बताना जरूर नहीं चाहिए और परिवार को उसके बारे में नहीं बताना चाहिए, ये जानकारी मुझे थी क्योंकि मेरा आर्मी से रिश्ता बहुत पहले से रहा जी, मुझे कुछ सेवा आर्मी के लिए करने का मौका 21 साल की उम्र में मिला। आपको शहादत के बारे में कैसे जानकारी मिली और कितना इंतजार करना पड़ा? देखिए ये कोई सोचता नहीं है कुछ होने वाला है, तो खबर कहीं से भी आ रही है हमें उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि शपथ लेके जो इंसान आगे बढ़ता है लड़ाई करने के लिए, तो उसमें लाइन इन द लाइन ऑफ ड्यूटी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हर परिवार तैयार रहता है। तो खबर मिलने के बाद हम क्या महसूस करते हैं या उससे पहले क्या सोच रहे थे, हम कुछ सोचते नहीं थे, यही था कि वो अपना काम ठीक तरह कर पाए, जिस काम के लिए उसको ट्रेनिंग मिली है, इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग मिली है और जो एक मॉरल उसका अप है कि देश के लिए मुझे करना है, ये मेरी ड्यूटी है, सबसे पहले मेरे देश के लिए मुझे काम करना है, तो उसको वो अपना काम ठीक से कर सकें, और उसके जैसे और भी जितने लोग आज भी काम कर रहे हैं, हम यही दुआ करते हैं कि बस ये लोग अपना काम ठीक से कर सकें, काम तो करना ही है बिल्कुल, लेकिन हमारा सपोर्ट उनके पास हो जी, कि उनको लगे हम उनके साथ है, ये नहीं कि हमारा परिवार का कोई वहां अभी नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन हमारी सोच उनके साथ है हर दम, क्योंकि मुझे लगता है हम वो कड़ी हैं जो सिविल और डिफेंस के बीच में है, क्योंकि हम रहते यहाँ है, यहाँ की सब बातें हमारे ऊपर, हमें असर होता है हमारे ऊपर, और वैसे ही हम उनके लिए उतना ही सोचते हैं वहाँ जो कुछ भी होता है। बिल्कुल, एक शहीद जब जाता है तो अपने पीछे गम तो छोड़कर जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो जो फख्र और अभिमान परिवार को देकर जाता है, शायद वही परिवार के लिए हौसला बनता है और वही परिवार को ढारस बंधाता है। मैं कमलेश बालाजी का अब रुख करूंगी। कमलेश बालाजी, माइक अपना ले लीजिए।
पति आपके शहीद हुए और फिर भी आपने इतनी बहादुरी इतनी हिम्मत दिखाई कि अपने बेटे को भी फौज में भेज दिया। इसलिए हिम्मत दिखाई कि मेरे पति कारगिल में शहीद हो गए थे, तो उनकी वजह से ही मुझे हिम्मत मिल पाई कि मतलब मैं भी बच्चों को कुछ बना पाऊँ। बच्चों को मैंने इतना संघर्ष करना सिखाया और आज मेरा बेटा फौज में अफसर बना। आज तो फौज में अफसर बन गया बेटा, लेकिन 20 साल पहले क्या गुजरी थी परिवार पर, वो भी तो बताइए। 20 साल पहले बस वो गुजरी कि माँ बाप भी उनके ये गुजरी कि माँ भी का 2 साल पहले देहांत हो गया था, 2 साल के बाद ही। और बाप का भी वो हाल था कि बिस्तर से नहीं उठ पा रहे उस दिन से, और मेरा तो वो हाल था कि तो इन दो बेटे थे तो मैं कभी इनको उधर कभी उधर डोलती रहती थी, परेशान तो बहुत होती थी, पर मैंने फिर भी अपने बेटे को ये सोचा कि इनको पढ़ाना है। 11 साल की उम्र में मैंने मिलिट्री स्कूल चैल में भेज दिया था इनको पढ़ने के लिए। वहाँ से पढ़ाई करके आए तो तब मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन कराई, और तब उसके बारे में बच्चों ने अपने यहाँ पे संघर्ष करा और मैंने उनके साथ में खड़ी रही। 20 साल एक तरीके से पूरी तपस्या वाले आपने गुजार दिए और बेटे को एक बार फिर देश सेवा के लिए फौज में भेज दिया है कमलेश बालाजी ने। रेखा भंडारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। रेखा भंडारी जी, शहीद मंगत सिंह भंडारी, बताइए उनके बारे में, किस तरीके से देश की सेवा करने के लिए जज्बे से भरपूर थे वो कि अब आप इतना बड़ा दिल दिखा रही हैं कि अपनी बेटी को भी आर्मी में भेज रही हैं। 20 साल पहले तो उस टाइम में 24 साल की थी, छोटी वाली मेरी गेट में थी, ये 2 साल की थी, बेटा 4 साल का था। तो जिस उस टाइम तो गांव में फोन पान कुछ रहता नहीं था, लेटर द्वारा बात होती थी। तो जब लेटर आया, माइक पास कर लीजिए, जब लेटर आया तो पता चला कि मतलब मैं आगे जा रहा लड़ने में। ननद की शादी थी मेरी 17 जून को, 29 जून को ऐसा काम हो गया। फिर उन्होंने कहा कि मेरे को माफ करना, लास्ट स्टार्ट मिल ली कि उसके बाद ऐसे हुआ कि मैं बॉर्डर पर चल गया हूँ। उसके बाद मैं कोई लेटर नहीं आया। अच्छे थे वो, हर चीज़ में हर वो आगे जाने चाहते थे, सब चीज़ें बच्चे छोटे छोटे थे। एक हिम्मत नहीं रहा कि कैसे बच्चों को पालो या अपने आप को देखो। बस पहले देहरादून में रही, देहरादून से बच्चों को यहाँ लाई पढ़ाई के लिए, अब बेटी भी तैयारी कर रही है मुझे देने के लिए। आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? आपने तो इतनी हिम्मत दिखाई, आपने अपने बच्चों को पाल पोस कर इतने बढ़िया तरीके से उनको तैयार कर दिया कि अब बच्ची आपकी तैयार है देश सेवा करने के लिए। नीलम, क्या है आगे के लिए सपना, क्या करना है? मुझे भी अपने पापा की तरह आर्मी ज्वाइन करना है, क्योंकि एक तो पहली बार पापा के बाद अब कोई आर्मी में है नहीं हमारी फैमिली से, तो मैं आगे वो लेगेसी जाना चाहती हूँ। क्योंकि मेरा भाई हमारा जो बिजनेस है वही देख रहा है, तो उसको टाइम नहीं मिला कि वो आर्मी ज्वाइन कर सके, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी फैमिली में सब बनूँ जो आर्मी में जाए, तो मेरा यही अभी तक। अच्छा, आप तो आप इतनी छोटी रही होंगी जब आपके पापा शहीद हुए, तो उनकी छवि आपने कैसे अपने मन में उकेरी? आस पड़ोस के लोग उनके बारे में बताते थे, माँ से सुना आपने कितने बहादुर थे पिता, तो क्या आपके मन में पिता की क्या छवि है वो बताइए। जब मैं 2 साल की थी जब पापा एक्सपायर हुए थे, बट मम्मी ने हमें इतना कुछ बताया नहीं उनके बारे में, तो हमें इधर उधर से ही फैमिली से सुनने को मिला। फिर जब थोड़े बड़े होते गए तब मम्मी ने बोलना शुरू किया हमारे साथ कि ऐसा ऐसा हुआ है पापा के साथ, तो फिर हमें खुद भी समझ आने लग गया था, क्योंकि तब तक हम यहाँ दिल्ली आ चुके थे और हमारी सोसाइटी में सब मार्टियर फैमिलीज वाले हैं, तो उनसे हमें पता चला। फिर मेरे अंदर भी हुआ कि हाँ मेरे पापा थे तो अब मुझे भी जाना चाहिए आर्मी में, तो क्योंकि हमारी पूरी फैमिली में आर्मी बैकग्राउंड से है, तो मुझे लगा कि अब आगे लेके जानी चाहिए हमें ये अपना आर्मी बैकग्राउंड। बिल्कुल, आपके इस हौसले के लिए वाकई में हम सभी यहाँ पर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं यहाँ पर, कि आपने सोचा कि अपनी पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाएं और आप कंट्री को सर्व करें। स्वप्ना जी और हेमा जी, मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी। मैम, आप दोनों ने अपने बच्चों को खोया, और बच्चों के लिए कहा जाता है कि माँ बाप के लिए बच्चे बुढ़ापे में सबसे बड़ा सहारा होते हैं, तो शहीद की माओं के तौर पर आपको क्या लगता है कि वक्त के साथ आप लोगों के जख्म भरे या फिर साल दर साल वो जख्म और कुछ हरे से होते चले जाते हैं? सपना जी, देखिए मेरे तो दोनों बेटे फौज में हैं एंड दे चोज इन्फेंट्री डिवीजन। ओके, तो शुरू से ही मुझे यही था कि मतलब बच्चे जब फौज में चले गए हैं, हाउ कैन यू मतलब ऐसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमारा लुक आफ्टर करेंगे, क्योंकि
हम भी जॉब में थे तो भाई वो भी अपने पोस्टिंग प्लेसेस में, और ये तो हम कह नहीं सकते कि भाई हम मतलब जॉब छोड़ के मैं तुम्हारे परिवार में चली जाऊं. आई एम वेरी इंडिपेंडेंट इन दैट वे, इन माय थॉट एंड इन माय एक्शन. तो मैं कर लेती हूँ, अकेली भी रही हूँ. जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई विद इन 5 years, ही कुड नॉट टेक अप, यू नो, ही वेंट इन टू, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे बिकॉज सुमित बहुत ही छोटा था. और कई बार वो यही कहते थे कि भाई पता नहीं वो इतना छोटा है क्या कर रहा होगा. तो मैं यही कहती थी कि NDA के थ्रू गया है, ट्रेनिंग ली है उसने, और उसको ट्रेनिंग दी गई है तभी तो वो आगे गया है, मतलब फौज में काम कर ही रहा है. तो ऐसे मैं उनको तसल्ली देती थी. पर आफ्टर दिस इंसिडेंट उनको बहुत ही डिप्रेशन हो गया था एंड विद इन 5 years वो भी चले गए. तो मैं फिर अकेली भी रही, तो उसके बाद फिर अकेली घर में संभालती थी सब कुछ. तो जिंदगी तो अकेले बिताना ही होता है, लेकिन वक्त जैसे जैसे बढ़ता है तो सुमित की जो कमी है वो अब वक्त के साथ और महसूस होती है, मैं ये जानना चाह रही हूँ. महसूस तो बहुत ज्यादा होता है. आई टेल यू, ऐसा नहीं है कि एक पल भी हम मतलब उनको भूल सकते हैं. हम भूल नहीं सकते, पर हम अपने आप को इतना बिजी कर लेते हैं क्योंकि अभी देखो और भी लोग हैं, कुछ संस्थाएं हैं, हम उसमें बिजी हो जाते हैं. कुछ बच्चे हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, मैं उनके साथ NGOs के साथ मैं बिजी हो जाती हूँ. तो ऐसे हम मैं खुद अपने आप को इतना बिजी कर लेती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि जो सुमित के जो पैसे हैं या जैसे कि भी है, ए पार्ट ऑफ दैट मनी शुड गो टू द सोसाइटी. मैं सोसाइटी के कामों में लगा लेती हूँ, उन बच्चों के काम में लगा लेती हूँ. तो उसमें मुझे तसल्ली मिलती है एट द एंड ऑफ द डे. आई गेन सेटिस्फैक्शन विद दैट, क्योंकि मैं जब किसी के लिए कुछ करती हूँ. एक संस्था 2000 से चल रही थी, NGO सक्षम भारती के नाम से, अंडर प्रिविलेज बच्चों को, जैसे 10th और 12th के बच्चों के लिए. तो वहाँ पे मैं ऐसे भी पर्सनली जाके संडेज को भी मैं काम करती हूँ, बच्चों को काउंसलिंग करती हूँ या हेल्प आउट करती हूँ, या और मॉनिटरी हेल्प भी मैं देती हूँ ताकि वो बच्चे जो हैं कुछ ना कुछ बन जाए. लॉस से कोप करने के लिए आपने खुद को बहुत चेस्ट कर लिया. हाँ, मैंने अपने आप को बहुत बिजी कर रखा है लाइफ में. तो अपने लिए सोचने का टाइम वो रात को 10 बजे के बाद ही मिलता है. तो इसलिए रात को 10 बजे के बाद सोचती हूँ तो फिर नींद आ जाती है थोड़ी, और 3-4-5 घंटा ही सो पाती हूँ बिकॉज आई एम ए वेरी अर्ली राइजर. पर यह है कि भाई आप जितना सोचोगे सोच के आप अपना अपनी जो है सेहत ही खराब करोगे. इससे अच्छा तो उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाए किसी सोसाइटी सोशल काम में, किसी के अच्छाई के लिए वो यूटिलाइज करेंगे तो आप भी खुश रहेंगे. तो बिल्कुल मैं आप सबसे ही जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए शहीदों के लिए कहा जाता है कि शहीद कभी मरता नहीं है, वो हमेशा हमारे अंदर हमारी यादों में जिंदा रहता है. वो महसूस करती हैं आप हेमा जी अपने बेटे को लेकर, हनीफुद्दीन को लेकर, वो एहसास होता है कभी? कोई भी बेटा अगर चला जाता है तो माँ बाप कभी नहीं भूलते. शहीद की बात अलग है, वो देश का गौरव है तो वो एक जिम्मेदारी भी उसके साथ ले आते हैं. तो अगर कोई बेटा या पति घर में गुजर मतलब शहीद हो जाते हैं तो वो परिवार को भी मोटिवेट करता सबसे पहले. अब ये भी हो सकता है मतलब मन दुखी हो जाए, ये भी हो सकता है कि उस बहाने से हम कुछ और कर जाएं. मेरे 2 और बेटे हैं और दोनों ने ऐसे मोटिवेशन लिया कि हमारे भाई ने कुछ किया, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप कुछ करेंगे और कुछ बनेंगे. तो वो एक हिम्मत उनके अंदर आया, हमें भी लगा कि हमें कुछ आगे करना है क्योंकि जीवन तो आगे चलता ही है. उसमें एक बहाना शहीद का होता है, जबकि हम शहीद का नाम इस तरह से शहीद लेके नहीं बात करते थे कहीं, क्योंकि वो हमें लगता था कि उस नाम का हम नाजायज फायदा ना उठाएं तो हम शहीद नहीं लगाते थे. लेकिन हमने काम हमेशा से किया, अपने आप को थोड़ा डाइवर्ट किया अपने काम की तरफ, लेकिन फोकस वही था, वहीं पहुंचना वहीं था, रास्ता थोड़ा बदल गया. तो उससे हम भी जिंदा है, हमें सेटिस्फैक्शन है लाइफ में. एक इंसान 2 साल की भीतर जो भी काम कर सके थे वो करके गए हैं. हमारे पास वक्त जितना है उसमें हम जो भी काम कर सकें, उसमें कुछ अच्छा कर सकें, ऐसे कर सकें कि भाई जो चला गया उसको भी लगे कि कहीं से भी उसको उसका असर होता होगा तो लगेगा मेरे भाई भी जैसे मैंने काम किया ऐसे ही कुछ करना चाहते हैं. ज़रूरी नहीं है सब फौज में जाएं, लेकिन जहां आप जो काम कर रहे हैं उसको बहुत अच्छा करिए, 100% करिए. सही. तो यही सोच रहा है तो हम उस बात को उतना ही दिमाग दिल में लेते हैं, लेकिन वो जीवित तो दिल में क्या सब जगह जीवित है, शहीद तो हर जगह जीवित है. कमलेश वाला जी, शहीद पति की याद किस तरीके से आती है? हर पल हम तो भूल ही नहीं पाते हैं उनको.
याद तो हर पल आती है, पर हर पल याद करते हैं तो बच्चों को असर ज़्यादा पड़ता है, इसीलिए मैंने बच्चों के सामने तो कभी भी इस बात को अपने आप को कमजोर नहीं समझती कि बच्चों पर गलत असर होगा। आज तो बच्चे आपके, आपके लिए तो दोहरी मुश्किल रही होगी, बच्चे क्योंकि छोटे छोटे और पति शहीद हो गए, तो बच्चों के सामने खुद को मजबूत भी दिखाना है और वो इतना बड़ा सदमा जो लगा है उससे खुद को उबारना भी है। मैंने बच्चों के सामने इतना अपने आप को हिम्मत दी है कि मैंने बच्चों के सामने आज तक कभी भी बैठ कर रोई नहीं हूँ। कभी रोती हूँ तो मैं छुप छुप के रोती, पर उनके सामने आज तक मैं जाहिर नहीं होने देती कि बच्चे अब इतने बड़े हो गए कि मेरा चेहरा ही पहचान लेते कि मम्मी आज पापा को याद कर दी। नीलम, आपने माँ की आंखों में आंसू देखे हैं अपने सामने? मम्मा हाँ, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं मम्मी। हम बहुत समझाते हैं कि रोना नहीं चाहिए, आपको प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। हर किसी को ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि उनके पापा जा पाए, कंट्री के लिए कुछ कर पाए, तो मम्मा को प्राउड फील करना चाहिए, ऐसे रोना तो नहीं चाहिए। तो लेकिन रेखा जी, जिम्मेदारी दोहरी आ जाती है, माँ की भी और पिता की कमी भी पूरी करने के लिए। मैं तो उस समय को याद करती हूँ जिस समय ऐसी बात हुई थी मेरे साथ, कोई नहीं था, बच्चों के साथ अकेली थी। फिर कभी मेरे को भी होता कि चलो मेरे हस्बैंड वहाँ गए थे तो मैं करे बोलता हूँ कि जैसे मैं जाना जाती हूँ, हर जगह बुलाते हैं तो अच्छा लगता है, चलो हमारे तो हमेशा ड्यूटी पे बॉर्डर पे है, खाली एक बात है तो नहीं करे, बाकी सारा चीज है। नाज है इस देश को आप पर, आप सभी पर। आप दर्शकों के साथ साझा करेंगी आपको कैसे पता चला था रेखा जी शहादत के बारे में अपने पति का? क्या बोलो, कैसे मिली थी सूचना, कैसे मिली थी? सुबह सुबह का टाइम था, मतलब ये पता था, थोड़ा सा पास कर लीजिए। सुबह सुबह का टाइम था, ये पता था कि लड़ाई थी है, पर अपने दो आर्मी वाले आए घर पे, सुबह सुबह करते नाश्ता बना रही थी और किसी शादी घर में थी तो वो आए थे कि ऐसी बात है, बस एक छोटी वाली मेरी उस टाइम पेट में थी, बस उसी सुन के पता चला। ऐसे नहीं चल रहा, वहाँ तो लेटर उठ जाते थे, फोन फोन की सुविधा नहीं थी, लाइट भी नहीं थी कि टीवी पर नहीं भरते थे, बस चिट्ठी से ही बात होती थी। बस 15 दिन में आना था, एक महीना लग जाता चिट्ठी को आने जाने में। तो वो उनकी सारी चिट्ठियाँ आपने संभाल के रखा? हाँ, संभाल के रखे। मैंने बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं बच्चों को दिखाती हूँ कभी कि ऐसे से। कोई खास आपकी सबसे फेवरेट चिट्ठी जो आप अक्सर निकाल कर पढ़ लेती हैं, उसमें क्या आपके लिए संदेश लिखा हुआ है, क्या लिखी हुई है बातें? नहीं, वैसे कुछ नहीं थे, बस ऐसे ही बच्चों को साथ रहना, खुश रहना। लास्ट चिट्ठी में भी ये कहा था कि मुझे माफ़ कर देना, मैं आगे चलेगा हूँ, बहन की शादी आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, मैं ये लास्ट चिट्ठी मिली थी। नीलम, समझ में आती है ये 20 साल पुरानी चिट्ठियाँ जो आज भी माँ ने सहेज कर रखी हुई हैं, दिखाती होंगी माँ आपको, पढ़ती हैं आप उनको, पढ़कर कैसा लगता है आपको? जी, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर एक चिट्ठी में पापा ने हमारे बारे में पूछा होता है कि बड़े बच्चे कैसे हैं, उनका ख्याल रख रहे हो नहीं रख रहे, तो बहुत अच्छा लगता है वो सब पढ़ के, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बट अच्छा लगता है कि हर एक चिट्ठी में वो हमारे बारे में पूछते ही हैं। सबसे पहली लाइन ही उनकी यही होती है कि मेरे बच्चे कैसे हैं, उनका ख्याल रख रहे हो। कमलेश जी, आपके पास भी ये सौगातें रखी हुई हैं? मेरे पास भी रखी है, 2 दिन पहले भी आई और उनके आने के बाद भी वो चिट्ठी आई है। अच्छा, खबर आने के बाद भी चिट्ठी आई? खबर आने के बाद भी, 2 दिन के बाद भी चिट्ठी आई। और क्या लिखा हुआ था उसमें बताइए? उस दिन की तो चिट्ठी मैंने नहीं पढ़ी, पर उनसे एक दिन पहले की पढ़ी है कि बच्चों के बारे में लिख रहा था, ये लिख रहा था कि अपना ध्यान रखना और बच्चे दोनों बहुत छोटे हैं, मैं ऐसी जगह पर हूँ, कुछ भी हो सकता है। वो तो अगले दिन मुझे पता चल ही गया था जब सुबह ही फोन आ गया था। फोन आया था आपके पास? मेरे पास फोन आ गया था, तो फोन पर ही एहसास हो गया था कि उन्होंने, उधर से भाई ने बताया नहीं था कि मेरा भाई भी आर्मी में ही था और मेरे हस्बैंड के साथ में ही था। उन्होंने बस सिर्फ ये बोला था कि आप घर वालों को बता दो कि मेरा फोन आया हुआ, बात कर लेंगे। पर मुझे फोन पर ही एहसास हो गया था कि हाँ, ऐसा कुछ हो गया कि मुझे नहीं बता रहे। जी, बच्चों को तो उस टाइम पर कुछ पता ही नहीं था, ऐसे घूमते रहे। 2-3 दिन के बाद में पता चला कि जब उन्हें ध्यान के अग्नि के, हिम्मत रखिए, आपके पति ने इतनी जाबाजी दिखाई, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, हम समझ सकते हैं उस तकलीफ से जिससे ये परिवार गुजरे हैं। और जो मैंने पहले भी बात कही ना कि स्वप्ना जी, मैम डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तकलीफ तो है, आपको उस लॉस के साथ कोप भी करना है, लेकिन बहुत ही डिग्निफाइड वे में आपको कोप करना है।
इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी, यू नो हर एक इंसान जो है बराबर के नहीं होते हैं, कुछ लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, पर मैं अपने लिए कह सकती हूँ, आपको रोकना चाहूँगी, पानी पी लीजिए, आप पानी ले लीजिए थोड़ा। जी जी मैम, मैं ये अपने के लिए कह सकती हूँ कि मैं जो भी दुख मेरे अंदर है उसको मैं पब्लिकली कभी प्रकट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि सुख दुख तो आते रहते हैं एंड अपना कर्म करना चाहिए, और इमोशनल होके रोध होके क्या करना है, मतलब थोड़े टाइम के लिए लोग आपको साथ देंगे बट ऑल टाइम के लिए मतलब कोई आपके रोना तो आंसू नहीं पहुंचने आते हैं, तो अपने आप को मतलब इतना इमोशनल ना करके मैं तो अपना काम करती रहती हूँ। तो ये तो कोई सोच कर तो नहीं जाता है ऐसे आर्मी में, लेकिन आर्मी में जब जा रहे होते हैं आप तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड इस तरीके का एक डर तो परिवार में रहता होगा। आपने कभी हनीफुद्दीन से इस बारे में बात की कि आर्मी में जा रहे हो, ख्याल रखना, इस तरीके की कभी कोई बात होती थी? और क्या रिएक्शन होता था, बेटे का क्या रिएक्शन होता था? वो आपको हिम्मत बढ़ाता था कि फिक्र मत करें? कभी आपका माँ का दिल घबराता था और बेटा कभी माँ की हिम्मत बढ़ाए, ऐसा कभी होता था? सियाचिन जाने से पहले ज़रूर बात हुई थी, क्योंकि मैं अपने काम से बाहर दिन भर से रहती थी, लेकिन एक दिन शाम को मिले थे तो कहा कि हम सियाचिन जा रहे हैं जी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, नाम तो सुना ही था। पहले वहाँ बहुत मुश्किल कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो तो जो नौकरी में जो भी सामना करना पड़ेगा वो तो करना है। तो फिर कहने लगा कि वहाँ बाना टॉप है, मैंने कहा वो क्या है? तो उस वक्त इतना हमें भी नहीं पता था, तो उसके बारे में बताया, उनके नाम से वो चोटी हमारी अपनी हो गई है सियाचिन में। तो मैंने कहा इसको कहीं से इंस्पिरेशन मिला है, ये आगे जाने के लिए बहुत तैयार है। फिर कहने लगे ऐसा है कि वहाँ पानी का प्रॉब्लम है और पानी पिघला के आइस पिघला के पानी पीना पड़ता है और खाना भी ऐसा होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, जैसे और भी लोग वैसे ही तो जी रहे हैं, तो एक साथ सब हो जाता है। फिर कहने लगे कभी शेलिंग होती है इतनी ज़्यादा कि कभी कोई सामने दिखता है एक पल में वो फिर नज़र नहीं आते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो कहने लगे कि एक कभी इधर से गोली चली जाती है, कभी उधर से चली जाती है। मैंने कहा मैं समझ गई, लेकिन ऐसा है आपका विश्वास, आपको जिसमें विश्वास है उसको सामने लेके चलो, आपके पास ट्रेनिंग है, आपके पास विश्वास है, आपके अंदर ताकत है, अपना काम पूरे 100% करो, जो अच्छा करोगे तो उसका परिणाम अच्छा ही निकलेगा, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। चलो उसको उस वक्त यकीन शायद हो गया कि ये घबराएंगी नहीं, और पता नहीं मेरी बात से उसकी फिक्र कम हो गई या उसकी बात से मेरी फिक्र कम हो गई, मुझे पता नहीं, शायद वो आपके मन की टोह ले रहे हैं। हाँ, जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल हाँ, वो देख रहे थे कि ये कितना घबराएंगे, मैं कैसे रिएक्ट करती है मेरी। बिल्कुल हाँ, आपने बहादुरी दिखाई तो उससे बेटे को और हिम्मत, सच्चाई थी, वो सच्चाई थी, आप रोक नहीं सकते, गोली कहीं से आ रहे हैं आप कैसे रोकोगे उसको, ये एक आपकी नियति है। तो मैंने कहा डेस्टिनी पे भरोसा करो और अपनी मेहनत पे भरोसा करो, डेस्टिनी तो होगी जैसा भी है लेकिन मेहनत आपकी अपनी है, आप पूरी मेहनत करो तो अच्छाई के साथ बुराई कैसे हो सकता है, तो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ जाओ, कोई बात नहीं। कमलेश जी, आपके पति ने बताया था आपको कितनी मुश्किल पोस्टिंग है, वो बताते थे, जैसे बता रही हैं हेमा जी कि हनीफुद्दीन बताते थे उनको कितनी मुश्किल जगह पोस्टिंग हुई है? नहीं, मेरे पास में तो लेटर ही आता था, फोन नहीं आया, बस उसी दिन फोन आया, नहीं उससे पहले कोई फोन नहीं आया। तैनाती से पहले जब जा रहे हो तो बात हुई हो? हाँ, जब उनकी नागालैंड में पोस्टिंग थी तो वहाँ से डायरेक्ट ही उधर चले गए थे कारगिल में, घर भी नहीं आए थे एकदम, घर में नहीं आए। तो आप मिली कितने समय पहले थी उनसे, मतलब? 3 महीने पहले। 3 महीने पहले मिली थी, और 3 महीने पहले जब जा रहे थे तो क्या कहकर गए थे, क्या बात हुई थी? आपने उनके लिए कुछ खास बनाया जिसका उनको शौक था, जरा बताइए दर्शकों को। तब 3 महीने पहले मतलब मिले थे तो तब एक शादी में आए थे, तो तभी बोल रहे थे कि बच्चों को मतलब कहीं पोस्टिंग नज़दीक आ जाएगा तो साथ लेकर जाएंगे जी, कभी साथ नहीं गई तो इसलिए बोल रहे थे कि बच्चों को साथ लेकर जाएंगे और एक जगह रहेंगे। रेखा जी, आप कितने समय पहले मिली थी? मैं 24 दिसंबर को गए थे वो, और मतलब जून में से हो गया था, मेरा मिलने 5-6 महीने हुए थे उनको, तो मतलब 24 दिसंबर को गए थे, जून 29 को ऐसे काम हुए था, मैं उनको मिली नहीं थी 4-5 महीने से, 4-5 महीने तक नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर बने रहने के लिए। चलते चलते स्वप्ना जी और हेमा जी, मैं आप दोनों से चाहूँगी कि आज करगिल की जब 20वीं सालगिरह हम मना रहे हैं तो इस मौके पर आप देश को क्या कहना चाहेंगी, देशवासियों को क्या कहना चाहेंगी?
मैं तो हमेशा से यही कहती हूँ कि जो डेस्टिनी है वो उसको हम डिफाई नहीं कर सकते हैं. सो बिना सोचे और बिना झिझके मैं तो कहती हूँ हर बच्चों को मतलब आर्मी ट्रेनिंग स्कूलों में होना चाहिए. वी हैव कुछ स्कूलों में एनसीसी हमारे मिल जाते हैं और बट मुझे लगता है कि यहाँ पे आर्मी ट्रेनिंग की हमारे एजुकेशन में गवर्नमेंट को करना चाहिए कि भाई बच्चे जो है कम से कम एक 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 घर का एक एक बच्चा या दो दो बच्चे जो है आर्मी से ट्रेंड हो और ऊपर से दे शुड गेट इन टू आर्मी. कम से कम 5 साल की नौकरी तो उनको करके निकलना चाहिए. कई देशों में जैसे होता है कि आर्मी आर्म्ड फोर्सेस में उनको उनकी सर्विस करके आएंगे तो देश में जो इनडिसिप्लिन है वो भी खत्म हो जाता है और एक देश जो है मेरे को लगता है कि वो मोर पावरफुल बन जाता है. तो मैं तो कहती हूँ बच्चों को आर्मी में जाना चाहिए. जो शॉर्टेज आर्मी में है, कल ही कहीं पे मैं पढ़ रही थी कि भी 9000 ऑफिसर्स के एंड कुछ जवानों के, मैं कह ये जो है जो शॉर्टेज है आर्मी में आर्म्ड फोर्सेज में उसको वो पूरा करने के लिए कंपल्सरी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल लेवल. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एबीपी न्यूज के सम्मेलन में शिरकत करने के लिए. आपके हौसले को आपकी हिम्मत को ये देश सलाम करता है और पूरा देश आप लोगों के साथ है. एबीपी न्यूज